तो गुरु लोग, जो पावर्स हमने कैप्टन अमेरिका की मूवीज के अंदर देखी है वो पावर 1/4 हुई है जो कि कॉमिक्स के अंदर है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड तो है ही, लेकिन साथ ही में इसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारे सुपर पावर्स है जिसको मूवीज के अंदर कभी दिखाया ही नहीं गया। अब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर वो पावर्स इसकी मूवीज के अंदर दिखा देते तो ये एक सुपर ह्यूमन से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता, क्योंकि इसके पास बहुत ही तगड़ी तगड़ी पावर्स है। अब वो कौन सी पावर्स है वो तो आपको मैं आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि इस वीडियो के अंदर मैं कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन दोनों की ही बात होगी, क्योंकि दोनों ही कैप्टन अमेरिका है और दोनों के पास ही कुछ ऐसी सुपर पावर्स है जो कॉमिक्स के अंदर तो उनके पास है लेकिन मूवीज के अंदर कभी वो हमें दिखाई नहीं गई। तो अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सी सुपर पावर्स है तो वीडियो के अंदर तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो 10वें नंबर पे आती है हीलिंग फैक्टर की सुपर पावर। कैप्टन अमेरिका के पास बहुत ही तगड़ा हीलिंग फैक्टर होता है कॉमिक्स के अंदर, अब वो इतना ज्यादा भी तगड़ा नहीं होता कि वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर और डेडपूल के हीलिंग फैक्टर को टक्कर दे सके, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जब से सुपर सोल्जर सीरम गया था तो उसकी बॉडी भी बहुत ही जल्दी उसके घावों को, उसकी चोट को हील कर देती थी। अब ये सुपर पावर हमें मूवीज के अंदर नहीं देखने को मिली। अब ये हमें मूवीज के अंदर क्यों देखने को नहीं मिली ये तो मुझे नहीं पता, और अगर ये पावर उसके पास मूवी के अंदर होती तो एंडगेम के अंदर थैनोस से बैटल करते हुए उसे काफी ज्यादा बेनिफिट देती। और 9वें नंबर पे आती है स्लो एजिंग। अब देखो ये पावर भी उसको सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ही मिली थी और सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसकी एज कभी बढ़ती नहीं थी, और इसीलिए कॉमिक्स के अंदर वो एक तरह से इमोर्टल था क्योंकि उसकी डेथ कभी एजिंग से हो ही नहीं सकती थी, लेकिन मूवीज के अंदर से ना दिखाने का खाली एक ही कारण था, वो था कि मूवी के अंदर जो एक्टर प्ले करते हैं क्रिस एवंस वो तो जिंदगी भर इसे प्ले नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी भी एज धीरे धीरे बढ़ती रहती, और इसीलिए ये पावर मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका को नहीं दी गई और इसीलिए हमें एंडगेम के अंदर एक बुड्ढा कैप्टन अमेरिका देखने को मिला था। और 8वें नंबर पे आती है टेलीपैथी की पावर। अब देखो ये वाली पावर सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका के पास थी और इस पावर की हेल्प से ये बर्ड्स के साथ बात कर सकता था, लेकिन ये पावर भी इसको मूवीज के अंदर नहीं दी गई। अब हालांकि ऐसी सिमिलर पावर एंटमैन के पास भी है जिसकी हेल्प से वो चींटियों से बात कर सकता है, और ऐसी पावर कॉमिक्स के अंदर सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका के पास थी कि वो बर्ड से बात कर सकता था, लेकिन ये इसको मूवी के अंदर नहीं दी गई। अब हालांकि हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर हमें इसके अंदर कुछ अलग से स्किल्स दिखाई जाए जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिली। अब वो तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा कि इसको इसकी कॉमिक वाली सुपर पावर दी गई है या फिर नहीं, जो कि थी बर्ड से बात कर पाना। और 7वें नंबर पर आती है टैक्टिकल जीनियस। अब देखो इसका मतलब ये है कि कैप्टन अमेरिका के पास कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी पावर थी जिसकी हेल्प से ये एक अच्छा प्लान बना सकता था और उसको बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता था और उस प्लान को पूरा सक्सेस भी करता था। अब ये भी इसकी एक सुपर पावर थी कॉमिक्स के अंदर, लेकिन मूवीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मूवीज के अंदर उसको खाली एक अच्छी लीडरशिप दी गई है, और ये जो टैक्टिकल जीनियस पावर थी इसके पास कॉमिक्स के अंदर, ये इसकी लीडरशिप को एक हायर लेवल तक लेकर जाती थी, लेकिन मूवी के अंदर इसकी ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है। मूवी के अंदर प्लान टोनी बनाता है और उसका टोनी का एक ही प्लान होता है कि अटैक करना, लेकिन कॉमिक्स के अंदर अपना कैप्टन अमेरिका एक अच्छा प्लानर था और वो एक अच्छा लीडर भी था जो कि पूरी एवेंजर्स टीम को लीड करता था और उनके प्लान सब बनाता था, लेकिन मूवी के अंदर हमने कभी कैप्टन अमेरिका को ढंग से प्लान बनाते हुए नहीं देखा, वो बल्कि एवेंजर्स टीम के अंदर काम करता है और गवर्नमेंट के अंदर काम करता था। और 6वें नंबर पर आती है कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के पास सुपर स्ट्रेंथ भी थी कॉमिक्स के अंदर, और इसके जो सुपर स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ ये अपने स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका के लेवल तक की थी, और टीचाला के भी जो कि ब्लैक पैंथर है, और ये इसको कैसे मिली ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि अपने एक नॉर्मल पंच से ही किसी नॉन पावर पर्सन को किल कर सकता था, लेकिन ये सुपर पावर भी इसके पास मूवीज के अंदर है ही नहीं। इसके पास खाली विंग्स है जिसकी हेल्प से ये उड़ता है और अब एक शील्ड है, लेकिन इसके पास कोई ऐसी फिजिकल पावर नहीं है जो कि कॉमिक्स के अंदर थी। क्या पता आने वाली कैप्टन अमेरिका की मूवी के अंदर ये भी इसे दी जाए या फिर नहीं। और 5वें नंबर पे आती है सेंस ऑफ स्मेल। अब देखो अपने स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम से इतनी ज्यादा पावर मिली थी, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा एनहांस हो गया था जिसमें से एक नोज भी थी, जिसकी हेल्प से जिसकी स्मेल करने की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और इसकी हेल्प से ये काफी सारे विलन्स को डिटेक्ट कर सकता था और उनको ट्रैक भी कर सकता था। और कॉमिक्स के अंदर ये इसकी हेल्प से काफी सारे विलन्स को ट्रैक करता है और उनको डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर है, क्योंकि उसको बहुत दूर से उनकी स्मेल आ जाती है, और यही कैप्टन अमेरिका की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कॉमिक्स के अंदर, लेकिन मूवीज के अंदर भी इसके नोज की स्मेल की पावर अभी तक नहीं दिखाई गई है। और 4वें नंबर पे आती है शार्प मेमोरी। अब देखो ये कैप्टन अमेरिका की बहुत ही तगड़ी पावर थी कॉमिक्स के अंदर, अगर ये कोई चीज एक बार देख लेता था तो इसे जिंदगी भर के लिए वो चीज याद रहती थी। अब ये मूवी के अंदर हमें ढंग से ये दिखाया नहीं गया कि इसके पास शार्प मेमोरी है या नहीं, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ये पावर इसके पास थी, लेकिन मूवीज के अंदर हमें ना ये दिखाया गया है और ना ही हमने कुछ ऐसा सीन देखा है जिसकी हेल्प से हम ये कह सके कि मूवी के अंदर भी इसके पास शार्प मेमोरी थी, और मूवी के अंदर भी वो इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं था जितना कि वो कॉमिक्स के अंदर था, तो इससे तो यही पता लगता है कि मूवी के अंदर भी उसके पास शार्प मेमोरी नहीं थी। और 3रे नंबर पे आती है रेजिस्टेंस टू हिप्नोटिज्म। इसका मतलब
कि कैप्टन अमेरिका को कभी भी हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन मूवी के अंदर तुमने देखा कि स्कारलेट विच इसको हिप्नोटाइज कर देती है और एक ऐसे ड्रीम में भेज देती है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका पैकी कार्टर को देखता है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर ऐसा कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो उसकी विल पावर थी और जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो ऐसे हिप्नोटाइज थ्रेट से कैप्टन अमेरिका को बचाकर रखती थी। लेकिन मूवी के अंदर में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हिप्नोटाइज भी हो गया था। तो इससे तो यही पता लगता है कि ये पावर भी इसके पास मूवीज के अंदर नहीं दिखाई गई, जो कि इसको दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मूवी के अंदर भी इसकी विल पावर और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जो कि इसको किसी भी तरह के हिप्नोटाइज से बचा कर रखती थी। लेकिन मूवीज के अंदर तो ऐसा दिखाई नहीं गया, बल्कि वो हिप्नोटाइज और हो जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है साइबरनेटिक इम्प्लांट। ये पावर भी सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका के पास थी। इसका मतलब ये था कि अपना जो सैम विल्सन था वो किसी भी बर्ड के साथ कनेक्ट हो सकता था, वो किसी भी बर्ड के ब्रेन के साथ अपना ब्रेन कनेक्ट कर सकता था और बहुत सारी जानकारी निकाल सकता था। अब ये पावर से इसलिए मिलती है क्योंकि इसके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा इम्प्लांट किया जाता है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि बर्ड से बात कर सके। और ये काफी ज्यादा ऑसम पावर थी सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका की कॉमिक्स के अंदर, लेकिन मूवीज के अंदर हमें ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और पहले नंबर पर आता है इंक्रीज्ड ऑफ आईक्यू ऑफ 250। मतलब जो अपने स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका है उसका आईक्यू लेवल कॉमिक्स के अंदर 250 होता है और वो बहुत ही ज्यादा जीनियस होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कॉमिक्स के अंदर, लेकिन मूवीज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना अच्छा आईक्यू लेवल होने की वजह से कॉमिक्स के अंदर ही काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लेता था और कॉमिक्स के अंदर अपने टोनी भैया से भी ज्यादा जीनियस था, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल 250 था और अपने टोनी भैया का 186। और ये पावर इसके पास मूवी के अंदर इसीलिए नहीं थी क्योंकि मूवीज के अंदर अपने मार्वल वालों को टोनी भैया को ज्यादा जीनियस दिखाना था और इसीलिए मूवीज के अंदर इसको ये पावर नहीं दी गई। तो गुरु लोग, ये थी कैप्टन अमेरिका की कुछ हिडन पावर्स जो कि मूवीज के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये इनके पास पावर है और इनके पास इन पावर के होने की वजह से बहुत ही तगड़ा एडवांटेज होता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि मूवीज के अंदर इनको ये पावर्स क्यों नहीं दी गई, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।